आदाब व सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार। मुझे यहाँ पर एजुकेशन पर कुछ बताना है। शाहीन के जो एफर्ट्स हुए, शाहीन 30 इयर्स बिफोर 1 दिसंबर 1989 में एक सिंगल रूम में एक टीचर के साथ सिर्फ 17 स्टूडेंट्स से शुरू हुआ था और आज हम 14,000 स्टूडेंट्स की खिदमत कर रहे हैं। अराउंड 40 सेंटर इंडिया भर में हैं, सम 7 स्टेट्स में हमारे ब्रांचेस हैं और पूरे इंडिया भर से स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर बीदर में हॉस्टल में रहकर बेनिफिट ले रहे हैं। जैसा कि बताया गया, मोर देन 1200 स्टूडेंट्स को MBBS सीट दिलाने में, फ्री सीट दिलाने में हमें कामयाबी मिली है। शाही डे वन से स्टूडेंट्स की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता आया है। एजुकेशनल नीड, सारी की सारी एजुकेशनल नीड शाहीन खुद प्रोवाइड करे, पूरी जिम्मेदारी ले, इसकी कोशिश डे वन से करता आया है। और जब महसूस हुआ कि स्टूडेंट्स ट्यूशन के नाम पर घूम फिरते हैं सुबह सुबह, आज से 25 साल पहले सुबह जो है बॉयज एंड गर्ल्स साइकिल्स पे बायोलॉजी के लिए एक जगह, फिजिक्स के लिए एक जगह, केमिस्ट्री के लिए एक जगह जो है घूमते थे, तो मुझे बुरा लगता था जब मैं स्टूडेंट था। साइंस के स्टूडेंट्स ट्यूशन जाना लाजमी समझते थे। जब मैं शाहीन शुरू किया और हमारे स्टूडेंट्स भी ट्यूशन जा रहे थे तो हमको बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये हमारी इंसल्ट है, हमारे इंस्टीट्यूशन की इंसल्ट है, तो हम ट्यूशन बैन कर दिए। और आज हमारे 14,000 स्टूडेंट्स में कोई ट्यूशन नहीं जाता, बल्कि इसका इफेक्ट ये हुआ कि आज बीदर डिस्ट्रिक्ट ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। बीदर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का दी ओनली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्यूशन को बुरा माना जाता है और ट्यूशन एक कमजोरी है और उसको हम ख़त्म करने में, इरेडिकेट करने में, जैसा कि पोलियो को ख़त्म करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब हुई है, ट्यूशन को हम ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। और ये बात पूरे देश को पहुंचाना चाहते हैं कि ये ट्यूशन यकीनन नुकसानदेह है। जब हम ट्यूशन बैन करें, नेक्स्ट, जाहिर है ड्रॉप आउट के लिए कोशिशें हुई, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत भी हम शुरू करें। जाहिर है इंडिया में 6 मिलियन चिल्ड्रंस जो ड्रॉप आउट होते हैं, ये रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स बताती हैं, 6 मिलियन स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं और अराउंड 4% स्टूडेंट्स मदरसा में जाते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं और जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटे हुए हैं। इसके ऊपर हमारी तवज्जो हुई और हम ये ड्रॉप आउट के लिए भी कुछ करना चाहे। जब हम ट्यूशन बैन कर दिए थे और ट्यूशन ख़त्म कर दिए थे तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। जाहिर है कुछ स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करना स्कूल अपनी जिम्मेदारी समझने लगा, उसके लिए कुछ कोशिशें हुई, उसके लिए प्लान बना, एक्स्ट्रा क्लासेस हुए, फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते एक सिस्टम बना और एक डिपार्टमेंट अलग से हम कायम करें, उसका नाम रखे हम AICU। अब जैसे ड्रॉप आउट का मामला ये है कि इनिशियली जब 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो वो जाके 60-70 तक चले जाते हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक 60-70 तक चले जाते हैं, तो इन ड्रॉप आउट को जो है हम ड्रॉप आउट को जो है मेहनत कराए, AICU और में जो है उनको डेवलप करना शुरू करें। एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट इसका नाम है, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल्स में ICU होता है तो हमारे पास AICU हम उसको इस्टेब्लिश करें, एक टीचर के पास सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को रखकर उनकी बेसिक को इम्प्रूव करें। लोगों का मानना है कि सिर्फ गुर्बत की वजह से स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं, हम इस बात से देवन से इनकार करते रहे। सब्जेक्ट की कमजोरी की वजह से क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है और वो जो है बात बढ़ते बढ़ते स्टूडेंट 8, 9, 10th में आते आते 11, 12th में या 8, 9th में 10th में ड्रॉप आउट हो जाता है। गुर्बत की वजह से भी ड्रॉप आउट होता है लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है। सब्जेक्ट की वीकनेस की वजह से
ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। तो हम जो है AICU को जो है डेवलप किए, 6 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर लगा दिए और उनको इंडिविजुअल उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पर खासतौर पर तवज्जो दिए, उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करें, फिर वापस क्लासरूम में भेजें। जनरल क्लास से वीक स्टूडेंट जो चल रहा है उसको AICU में शिफ्ट करते हैं फुल टाइम, उनके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके वापस उनको जनरल क्लास में जनरल वार्ड में जो है उनको भेजा जाता है। फिर बच्चा जाकर वहाँ पर इंजॉय करना शुरू होता है, फिर उसमें दिलचस्पी बढ़ती है, वो ड्रॉप आउट होने से बच जाता है। नेक्स्ट चीज देखिए, ड्रॉप आउट जब हम ये AICU शुरू करें, हमारे पास ड्रॉप आउट बाहर के ड्रॉप आउट भी आ गए। हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए ये शुरू करे थे बाहर से जो है 12th फेल स्टूडेंट, 9th फेल स्टूडेंट, 3 साल वर्कशॉप में काम करने वाले, 4 साल जो है डीजल मैकेनिक बनने की ख्वाहिश में जो है मेहनत करने वाले जो है बच्चे आए और हम उनको मौका दिए। तो उसमें जो है हमको बहुत ही देखते देखते बड़ी कामयाबी मिली। इसका मिसाल है अंजर और अरशद जो है, दो भाई आए थे जो 12th आर्ट्स जूनियर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इधर से फेल थे, तो 12th आर्ट्स में, और वो आए, उनके मदर हमारे पास भेजे, हम उनको ऊपर गौर करें और उनको एक एडवाइस दिए, हिम्मत करके उनको हम एडवाइस दिए। आमतौर पे 12th आर्ट्स फेल कोई बच्चा होता था उस ज़माने में इधर में, तो एक एंड सा हो जाता था, दी एंड, उसके बाद कुछ नहीं है बिल्कुल, सिवाय किसी फैक्ट्री में जाने के, किसी जो है छोटी मोटी दुकान में काम करने के या कोई बिजनेस करने के दूसरा कोई रास्ता नहीं होता था। लेकिन हमारे पास क्योंकि AICU था, हम जो उनको मशवरा दिए कि नहीं, ये दोनों भाइयों को हम 11th साइंस में लेंगे, या आज से तकरीबन 18 साल पुरानी बात है, साइंस में लेंगे, उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक किया गया AICU में रखकर, महीने दो महीने में उनको फिर वापस 11th में साइंस में पढ़ाना शुरू किया गया। एक भाई BSc करके MSc करके अंजर आज शाहीन के वाइस प्रिंसिपल हैं, MSc करके वाइस प्रिंसिपल हैं। अरशद KPSC से हॉर्टिकल्चर PhD कर रहे थे, KPSC से सिलेक्शन हुआ और वो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं जो एक ड्रॉप आउट थे। यहाँ पे ख्वाजा पटेल का भी नाम है जो डीजल मैकेनिक बन रहे थे, 6, 7, 8, 9 जो है डीजल मैकेनिक के पास जाकर सीख रहे थे, उनको भी AICU में रखा गया, उनके फिर मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस को इम्प्रूव किया गया, वो आज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके शाहीन में एक एज ए डायरेक्टर के हिस्से से काम कर रहे हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो AICU के जरिए ड्रॉप आउट को हम मदद करके फिर वापस एजुकेशन में लाने में कामयाब हुए। देखिए, जब ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे कंटिन्यूसली, तो हमको एहसास हुआ, 7 साल पहले ख्याल आया, क्यों ना ये तजुर्बा मदरसा ड्रॉप आउट और मदरसा पास आउट पे किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15-20 साल से सिंसियरली मदरसे में जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मदरसा स्टूडेंट्स को लाने की कोशिश कर रही है और मदरसे में जो है मैथमेटिक्स को, लैंग्वेजेस को, साइंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स लगा रही थी, लेकिन इसके नतायज नहीं निकल रहे थे। जब हमारे ड्रॉप आउट सक्सेसफुल होना शुरू हो गए तो 7 साल पहले ख्याल आया, क्यों ना मदरसे के बच्चों पर यह तजुर्बा किया जाए। हमको फौरी एहसास हुआ कि मदरसे से जो है बच्चा पास आउट होता है, हाफिज होता है, वो मुकम्मिल होली कुरान जो है वो मेमोराइज कर सकता है, तो नेचुरली वो ब्रिलियंट होता है और नेचुरली वो हार्ड वर्कर होता है। इस बात को हम जहन में रखते हुए एक प्रोग्राम बनाए हिंदुस्तान भर के हाफिजों के लिए, मदरसा पास आउट और ड्रॉप आउट के लिए, उसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, और उसको अनाउंस करें। एक बैच आया और उसके लिए प्रोग्राम बना दिए थे हम, पहले AICU में रखेंगे, 6 महीने रखेंगे, फिर 6 महीने जो है उनको टर्मिनोलॉजी से वाकिफ करेंगे सोशल स्टडीज साइंस की, फिर 10th स्टैंडर्ड 1 साल पढ़ाएंगे, 2 साल +2 कराकर उनको CET NEET की कोचिंग देंगे, ये ख्वाहिश के साथ हम प्रपोजल रखे और उसको अनाउंस करें। कुछ स्टूडेंट्स हाफिज बच्चे हिंदुस्तान भर के आ गए 20-22, और पहले ही बैच में हमको बड़ी खुशी हुई, जो 4 साल का प्रोग्राम था 3 साल में हम कंप्लीट करने में कामयाब हुए, और उसमें एक स्टूडेंट हाफिज अबू सुफियान जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था, स्कूल की शक्ल नहीं देखा था, वो आज रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है, CET के जरिए वो मेडिकल सीट लेने में कामयाब हो गया। देखिए, मदरसा पास आउट, उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक मदरसा शुरू करने के या किसी मस्जिद की इमामत करने के।
कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो मायूस था, उसके सामने अंधेरा था, उसको जो है मौका दिया गया, आज वो MBBS कर रहा है और MD का प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से कई मिसालें जो है हैं। मोहम्मद शकील सिविल इंजीनियर हैं जो हाफिज थे, इसी तरह से वहीद अब्दुल्ला आज गोरखपुर से बच्चा आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो कभी स्कूल नहीं गया था, और राबिया हुसैन तो हमारी बिल्कुल इब्तदा में जो है ये बच्ची बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल करके MD करके हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही है। इसी तरह अफुतिया अमरीन भी हाफिजा थी, फवाज खान ये आजमगढ़ से आया था बच्चा तो कभी स्कूल नहीं गया था, आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में BDS का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसी तरह से इशरत फातिमा गुवाहाटी से MD गायनाकोलॉजी मुकम्मल करके महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रही है, हाफिजा थी। अबू सुफियान का मैं जिक्र कर दिया, मोहम्मद इलियास आज जो है वेटनरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जो हाफिज था। तो हाफिजों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने में एक मॉडल जो है AICU के थ्रू हमारे अपने तजुर्बात के जरिए बना, और हम इसको हिंदुस्तान भर में आम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उलमा इकराम इन मुस्लिम मजहब के जिम्मेदारान का ख्याल है कि इस नज़रिए को ख्याल को दुनिया के कोने कोने में फैला दो। आज से 200 साल 300 साल पहले तक ऐसा ही हुआ करता था, ये अजब बात है कि हमने दीनी तालीम और असरी तालीम मॉडर्न एजुकेशन को अलग करके शायद नुकसान उठा रहे हैं। तालीम तालीम है, दीनी तालीम अलग और असरी तालीम अलग नहीं है। देखिए रीज़न मैं आपसे जिक्र किया इब्तदा में, ड्रॉप आउट होने की वजह सब्जेक्ट की कमजोरी। कोई जो है यहाँ पर ऑफिसर हैं, रोज़ सुबह तैयार होते हैं, रोज़ ऑफिस को जाते हैं और आते हैं, उसको कुछ नहीं मिल रहा है और कभी मिलने की भी उम्मीद नहीं, कभी उसको कुछ नहीं मिलेगा। रोज़ ऑफिसर ऑफिस जा रहा है, वकील साहब रोज़ जो है कोर्ट को जा रहे हैं और रोज़ वापस आ रहे हैं, वक्त की पाबंदी से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही, तो कब तक जाएंगे? जाहिर है एक दिन आएगा वो बंद कर देंगे। यही मामला स्टूडेंट्स के साथ होता है। बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वह समझता है कि मैं स्कूल जाने के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो दुनिया से वाकिफ होता है, और जब उसके फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं तो दुनिया जो है उसको अच्छी लगती है, और ये जा रहा है कुछ नहीं सीख रहा, आज नहीं सीख रहा हूँ तो कल सीखने की भी उम्मीद नहीं है, तो वो जो है स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है। गुर्बत जो है असल वजह नहीं है, गरीबी जो है असल वजह नहीं है, एक वो भी एक छोटी सी वजह है, लेकिन सब्जेक्ट की कमजोरी की वजह से बहुत ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, ये हमारा मानना है। मैं चाहूँगा कि सारे स्कूल्स हिंदुस्तान भर के सारे स्कूल, हमारे मुल्क के महान और विशाल देश के सारे स्कूल्स जो है ट्यूशन फ्री हो जाएं। ट्यूशन एक कमज़ोरी है, ट्यूशन एक बुराई है, ट्यूशन एक बीमारी है, और ये ट्यूशन फ्री होना चाहिए। आज से 50-60 साल पहले ट्यूशन जाना शर्मिंदगी महसूस होती थी, ट्यूशन को जाते हुए लोग छुप कर जाते थे, आज अजीब बात है एक फैशन बन गया है। बेटे को जो है डॉक्टर बनाना है तो फौरी जो है रिश्तेदार होने के ट्यूशन कहाँ जा रहे हैं, ये भी पूछे कि स्कूल कौन सा है, कहाँ पढ़ाया जा रहा है, बच्चा कैसा पढ़ा है, ट्यूशन कहाँ जा रहा है, ये जो है एक कमज़ोरी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ट्यूशन फ्री होना चाहिए और हिंदुस्तान के तमाम स्कूल्स में, उनका बड़े स्कूल्स में कम से कम उसका अपना एक AICU हो, जिसका हम बाबा सिलेबस बनाए हैं और ये मॉडल को आम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भर के मैनेजमेंट्स इधर विजिट करते हैं, वो हमारे मेहमान की हैसियत से यहाँ रहते हैं, एक दो दिन ऑब्जर्व करते हैं, और यह है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, और ऑलरेडी ड्रॉप आउट हैं तो उनको वापस एजुकेशन में लाने के लिए ये कोशिशें हमारी जारी हैं, चल रही हैं, और मदरसे तमाम मदरसे के जो है बच्चे कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास कर लें। मेरा मानना है हिप्स के साथ साथ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस भी चले, और आलिमियत से पहले 10th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हासिल कर ले, काबिलियत हासिल कर ले, ऐसा नहीं कि जो है लाशूरी में सोचे समझे बगैर बच्चा जो है लाशूरी में चॉइस के बगैर जो है हाफिज बन जाता है और चॉइस के बगैर आलिमियत में एडमिशन ले लेता है, और वो जो है समाज के लिए कारामद नहीं हो सकता। वो 12th के बाद या 10th के बाद फिर से चॉइस के साथ उसके ऑप्शंस ओपन रहें,
और वो जो है मेडिकल छोड़कर अलीमियत करे और समाज की सेवा करे। एजुकेशन के जरिए बड़ा चेंज लाया जा सकता है, नस्ल को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए। हमारा जैसा कि बताया जा रहा था अभी कि हमारा देश यंग इंडिया जो है वाकई फिर से सोने की चिड़िया बनने की ताकत रखता है, ये दुनिया का सुपर पावर बनने की ताकत रखता है। अगर हम हमारे नौजवानों को ताकतवर बनाएं, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए और भेदभाव ख़त्म करते हुए, मैं हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा मिसाल देता हूं, एक हॉस्टल के एक कमरे में चार स्टूडेंट हैं, चार के चार एक दूसरे से नफरत करते हैं, चार के चार एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, डरते हैं, तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते, तो वो तरक्की नहीं कर सकते, वो नीट में रैंक नहीं ला सकते, वो जो है रैंक होल्डर नहीं बन सकते। यही मामला एक घर का होता है, यही मामला एक इलाके का, कॉलोनी का, खानदान का, महल्ले का, शहर का होता है, और यही मामला जो है हमारे देश का है। अगर हम सब मिलजुल कर हैं, हम जो है एक दूसरे की भलाई सोचते हैं, तो हमारे देश में ताकत है, फिर से ये सोने की चिड़िया बन सकता है। हम अपने जनरेशन को बनाएँ, हम अपने जनरेशन को ताकतवर बनाएं। दुनिया हमारे हिंदुस्तान पर नज़र खींची है कि हिंदुस्तान से नौजवान आएंगे और हमारे देश को संभालेंगे, हमारी फैक्ट्रीज ऑफिसेस को मैनेज करेंगे और हमारे देशों को चलाएंगे। दुनिया देख रही है, फिर से हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, ये मुमकिन है अगर हम हमारे नौजवानों को ताकतवर